नमस्कार, प्रकाशक के पटल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रकाशक की इस बैठक में, प्रकाशक की ये बैठक संजोई गई है आज एक बार फिर, और बहुत खास है आज की ये बैठक, क्योंकि इस बैठक में हम जिनकी कहानी पढ़ने जा रहे हैं उन्हें समझ लीजिए कि हम सभी ने पढ़ा है और बहुत बहुत दिल को छूने के बाद उनसे प्यार सा हो आया है, प्यार हो आया है, प्यार सा नहीं बल्कि प्यार हो आया है, उनके ऊपर असीम स्नेह हुआ है। और ऐसा लगा है कि जो मन को इतना पढ़ लेती हैं, इतना समझ लेती हैं, वो खुद कैसे होंगी। तो आज ये सौभाग्य है हमारा कि मन को इस तरह से समझने वाली, अपनी कथाओं में बांचने वाली आदरणीय पद्मश्री, सुप्रसिद्ध लेखिका पद्मश्री मालती जोशी जी हमारे बीच हैं। उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और प्रकाशक के इस पटल पर उन्होंने आना स्वीकार किया। हम लोग एकदम गदगद हैं और कृतार्थ हैं दीदी के। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाशक की इस बैठक में। आज की इस बैठक में हम आदरणीय मालती दीदी की ही कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है परख। ये कहानी हम चार लोग मिलकर पढ़ेंगे। मैं राजुल, पूनम अहमद जी हैं, अशोक खमराही जी हैं और पूनम पाठक जी हैं। मैं राजुल हूँ और प्रकाशक पर अक्सर आप मुझे देखते होंगे संचालन में। वैसे मैं लेखिका हूँ और विविध भारती में भी काम करती हूँ। मेरे साथ पूनम अहमद जी हैं, सुप्रसिद्ध कथाकार हैं, और बाकी मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगी कि वो अपने बारे में कुछ बताएं। पूनम अहमद जी, आप सब उपस्थित सुधी जनों को मेरा सादर प्रणाम। हमारी इस बैठक में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मैं पूनम अहमद थाने मुंबई में रहती हूँ और कभी कभी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। आदरणीय मालती जोशी जी मेरी प्रिय लेखिका हैं। उनकी सरल सहज भाषा की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। आज मालती जी की खूबसूरत कहानी परख का मैं भी एक हिस्सा हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी के पल हैं। इसके लिए प्रिय राजुल जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। शुक्रिया। अब मैं अशोक हमराही जी से कहूंगी, अनुरोध करूंगी कि वो अपने विषय में कुछ बताएं। अशोक हमराही जी नमस्कार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं, और अब वो स्वयं बताएं आज की इस बैठक के बारे में। सभी को मेरा सादर प्रणाम। और बहुत ही संक्षेप में हम इतना कहना चाहेंगे कि ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि वो प्रकाशक जिसने इस दौरान, यानी जो एक लॉकडाउन का पीरियड रहा है 14 दिन से जब शुरुआत हुई थी और उसके बाद से लॉकडाउन बढ़ता गया, लेकिन प्रकाशक ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई है और हम उसके एक हिस्से की तरह, एक अंग की तरह, एक कह सकते हैं कि राजुल को असिस्ट करते हैं, क्योंकि इसकी पूरा दारोमदार राजुल ने ही उठा रखा है। काव्य गोष्ठी करना या किससे कहानी या रूबरू जैसे और भी अलग अलग तरह के कार्यक्रम, जिससे कि हम घर में रह करके लोगों तक पहुंच सकें, लोगों से जुड़ सकें, और ये जो लॉकडाउन का जो अकेलापन है, एकाकीपन, ये हम दूर कर सकें कुछ हद तक। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इस दौरान बहुत सारे हमारे पुराने मित्र भी मिले और बहुत सारे नए लोगों से हमारा जुड़ाव हुआ। इसके लिए हम प्रकाशक के आभारी हैं और आज इस कहानी में हमें भी मौका मिला है, एक पात्र हमारा भी है। और आप लोगों से भी हम ये अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको बोलने का शौक है, सिर्फ अगर आप कहीं बोलते हैं, कहीं आपने अभी तक किसी तरह का कोई स्टेज पर या कहीं भी आपने परफॉर्म नहीं किया है, तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं, उनमें से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक शायद माइक पर पब्लिक के सामने कभी कुछ बोला ही ना हो,
सिर्फ उन्होंने अपनी बातें कही हो, लेकिन आज वो हमारे साथ हैं और एक नाटकीय वातावरण में, एक इस परिवेश में आपके साथ घुल मिल जाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप लोगों का स्वागत है, आप आइए हमारे साथ, बड़ी खुशी होगी। और मालती जी, इनके बारे में कुछ भी कहना शब्दों में नहीं कहा जा सकता, बहुत ही कम पड़ जाएंगे शब्द। बस इतना कह सकते हैं कि मालती जोशी जी, उनको आप सब ने पढ़ा ज़रूर होगा और उनकी कोई ना कोई कहानी आपके दिल की गहराइयों तक छुई होगी। आपने उनको बहुत पसंद किया है और वो प्रकाशक के अनुरोध पर आज हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और अभी हम उसे सुनेंगे, कुछ बताएंगी अपने बारे में, कहानी के बारे में। धन्यवाद। सही कहा आपने, दीदी ने हमारा अनुरोध स्वीकार करके इस पटल पर उन्होंने समय निकाल कर वो आई, इसके लिए तो हम बहुत आभारी हैं। हमारे टीम की जो एक बहुत प्यारी चौथी मेंबर हैं, यानी पूनम पाठक जी, इंदौर से बहुत अच्छी लेखिका हैं और कविताएं भी कहती हैं, तो अब पूनम जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो आज की शाम के बारे में कुछ कहें। आदरणीय मालती जोशी जी को सादर नमन करती हूँ, आप सभी दोस्तों को भी मेरा स्नेह सिक्त अभिवादन। मैं पूनम पाठक, इंदौर से, जन्म स्थान लखनऊ और शिक्षा एमकॉम है। विगत कुछ वर्षों से लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमने मालती जोशी जी की कहानी परख से अपनी बैठक को सजाया है। मानवीय संवेदनाओं से भरपूर ये कहानी पाठकों के जहन में अपनी गहरी छाप छोड़ती है। इसके एक छोटे किंतु चुनौतीपूर्ण किरदार को जीवंत करने हेतु मैं बहुत उत्साहित हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी का प्यार मेरी छोटी मोटी कमियों को नज़रअंदाज कर मुझ पर अपना स्नेह एक बार फिर से बरसाएगा। क्योंकि दोस्तों, हूँ अभी अनगढ़ संवर जाऊँगी मैं, हूँ अभी अनगढ़ संवर जाऊँगी मैं, और देखना एक दिन निखर आऊंगी मैं। वक्त मुझ पे ढाले चाहे जो सितम, वक्त मुझ पे ढाले चाहे जो सितम, और भी ज्यादा चमक जाऊंगी मैं, हूँ अभी अनगढ़ संवर जाऊंगी मैं। रास्ता रोकेंगे क्या ये पहाड़ झरने और नदी, रास्ता रोकेंगे क्या ये पहाड़ झरने और नदी, हाँ जो ठाना लक्ष्य है एक दिन उसे पाऊंगी मैं, हूँ अभी अनगढ़ संवर जाऊंगी मैं। है यकीन खुद पे छूलूंगी एक दिन आसमां, है यकीन खुद पे छूलूंगी एक दिन आसमां, पर धरा पर पांव रखने फिर चली आऊंगी मैं, हूँ अभी अनगढ़ संवर जाऊंगी मैं। मौन में मेरे तुम्हें बतलाऊं मैं क्या पल रहा, मौन में मेरे तुम्हें बतलाऊं मैं क्या पल रहा, साज दिल के छेड़ करके धुन नई गाऊंगी मैं, हूँ अभी अनगढ़ संवर जाऊंगी मैं, और देखना एक दिन निखर आऊंगी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पूनम जी, बहुत सुंदर। दीदी, अब अगर आपकी आज्ञा हो आप आशीर्वाद दीजिए हमें और तो हम कहानी आरंभ करें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने मेरी इस प्रिय कहानी को एक नए ढंग से मंचन करने का इरादा किया है। दो शब्द कुछ कहना चाहूंगी मैं। एक जमाना था जब हमारे यहाँ बेटी के यहाँ पानी पीना भी पाप समझा जाता था। अगर कभी मजबूरी में भोजन करना पड़ जाए तो थाली में रुपए रख के लोग उठते थे। तब बेटी किसी की अमानत होती थी और उसके सही स्वामी के पास उसे पहुंचाने के लिए माता पिता आतुर होते थे। कभी वो बोझ भी रहती थी और उस बोझ को उतारने के लिए माँ बाप कुछ भी कर गुजरते थे। समय के साथ परिदृश्य बदला है, परिस्थितियाँ बदली हैं और बेटियाँ जब से कमाऊ हो गई हैं तब वो बोझ नहीं रही बल्कि परिवार के लिए एक एसेट हो गई हैं। लेकिन कभी कभी वो परिवार का सहारा बन जाती हैं तो अभिभावक मजबूरी में या लालच में उनकी शादी की उम्र को नज़रअंदाज कर देते हैं
और फिर एक ऐसे मुकाम पर वो पहुंच जाती है जहां अगर शादी करनी है तो अनचाहे समझौते करने पड़ते हैं, नहीं तो वो अपने भाई की गृहस्थी में फालतू सामान की तरह पड़ी रहती है। इस स्थिति का एक त्रासद पहलू ये भी है कि कुछ विकृत मनोवृत्ति वाले लोग अविवाहित कन्याओं को ईजीली अवेलेबल की कैटेगरी में डाल देते हैं और बड़े कुत्सित व्यवहार करते हैं। बिल्कुल, मैंने इन प्रौढ़ कुमारियों को लेकर कम से कम 20 कहानियां तो लिखी होंगी। परिस्थितियां अलग होती हर बार, लेकिन नतीजा वही होता है कि उम्र बढ़ जाती है और फिर उसके साथ नए नए समस्याएं और प्रश्न उपस्थित होते हैं। आपने इसी झुनकी एक कहानी परख है जो आज आप मंचित कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अब कहानी आरंभ करते हैं। जी, शुरू करते हैं। जी। सफर की थकान से बदन टूट रहा था, रात भर के जागरण से पलके मुंदी जा रही थी, पर ये दोनों बहनें सोने दे तब ना, पता नहीं कहाँ की बात लेकर बैठी थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। वैसे तो मुझे उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर अगर चर्चा में अपना नाम बार बार आए तो कोई कहाँ तक अनसुना कर दे। मौसी कह रही थी, जी अब लड़की को ठीक से खिलाती पिलाती नहीं क्या, एकदम सूखा छुहारा हो रही है, नहीं तो इस उम्र में लड़कियां कैसी गदराए आम किसी होती हैं। अब खाना तो जो हम सब खा रहे हैं वही सीमा भी खा रही है, पर उसके शरीर को लगता ही नहीं है तो हम क्या करें। एक तो उसकी नौकरी भी ऐसी जानलेवा है, सुबह की गई शाम को आती है, रोज का 5-7 मील का आना जाना है, स्कूटी पर जाती है, सर्दी गर्मी बरसात सभी तो झेलना पड़ता है। अभी ना उसका रंग ऐसा काला पड़ गया है, मेरी मानो तो उसकी नौकरी छुड़वा दो, देखो 5-7 महीने में ही रंगत कैसी निखर आती है। अरे नौकरी कैसे छुड़वा दूं, ये जो 2-4 ढंग के कपड़े उसके बदन पर नजर आ रहे हैं उस नौकरी की बदौलत ही तो हैं, नहीं तो कॉलेज तक में बेचारी फटे हाल जाया करती थी, तुमने देखा तो है। क्यों, दोनों भाई मिलकर बहन को पहना ओढ़ा भी नहीं सकते क्या? खाना खिला रहे हैं यही बहुत है। क्या बात करती हो दीदी, अगर ऐसा है तो फिर दान दहेज क्या देंगे, तुमने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मान लो कल को तुम्हारे कहने से मैं कहीं बात चलाऊं और लेने देने के नाम पे वो हाथ ऊंचे कर दे तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अब तुमसे दिल की बात मैं क्या कहूँ शकुन, बहुएं तो खैर पराए घर से आती हैं, उनमें मोह माया ना हो तो समझ में आता है, पर जब अपने पेट जाए ही एकदम परायों का सा व्यवहार करने लगते हैं तो बड़ा जी दुखता है रे, तेरे जीजा जी की तो बहुत याद आती है। बातचीत अब दूसरे टेक पर चली गई थी, अम्मा बेटे बहुओं का रोना लेकर बैठ गई थी। इस अंतहीन रामायण में मुझे कोई रुचि नहीं थी, मैं रोज ही सुनती हूँ, सुन सुनकर कान पक गए हैं, इसलिए अब मेरे कान अपने आप ही बंद हो गए। कब मेरी आंख लगी मुझे खुद ही पता नहीं चला, सोकर उठी तो अच्छी खासी शाम हो रही थी, कमरा एकदम खाली था, बाहर आकर देखा अम्मा बरामदे में बैठी माला फेर रही थी, किचन में मौसी शाम के खाने की तैयारी में व्यस्त थी। मैंने भीतर जाकर कहा, मौसी एकाध गैस खाली है क्या, मैं चाटनी चाय बना लूंगी। तू क्यों बनाएगी लाडू, मैं हूं ना। फिर गैस पर चाय चढ़ाते हुए बोली, सीमा तू वो वाली क्रीम क्यों नहीं लगाती। कौन सी? अरे अच्छा सा नाम है, देख अब याद ही नहीं आ रहा, मेरी ननद की बेटी है ना कुमुद, तेरी तरह ही सांवली थी, बस 6 महीने वो क्रीम लगाई होगी, एकदम मैदे की लोई की तरह निकल आई। अरे वाह, तब तो कुमुद को उस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर बन जाना चाहिए। मतलब? छोड़िए मैं तो मजाक कर रही थी, पर मौसी आजकल मैदे की लोई का फैशन नहीं रहा ना, अब गदराए आमों का जमाना है,
अब तो लोग नगद नारायण देखते हैं। ये कौन सी नई बात है, दहन दहेज तो जमाने से चला आ रहा है। तब तो माँ बाप एक बार देकर छुट्टी पा जाते थे, पर आजकल लोगों को परमानेंट दहेज चाहिए, यानी कि नौकरी। लड़के वाले अब कन्या का रूप गुण नहीं देखते, वो पूछते हैं नौकरी परमानेंट है या टेम्परेरी, सरकारी है या प्राइवेट। अगर आपकी बिटिया डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है या बैंक में नौकर है, तो लोग ये नहीं पूछेंगे कि लड़की गोरी है या काली, लंबी है या नाटी, वो उसका वेतन मान पूछेंगे, बैंक बैलेंस जानना चाहेंगे। अब तू भी तो नौकरी कर रही है, फिर तेरी नौकरी पर कोई रीझा क्यों नहीं अब तक? रीझने लायक नौकरी तो हो मौसी, एक प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ, जितने पर दस्तखत करती हूँ उसका 3/4 हाथ में आता है, वो भी इतना कम है कि बताते हुए शर्म आती है। मुझसे ज्यादा वेतन तो सरकारी स्कूल का चपरासी पाता है। तुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती? मिल सकती है, मिली भी थी, पर शुरुआती पोस्टिंग अक्सर गांव में मिलती है और मुझे कोई अकेले भेजने को तैयार नहीं था। तो अपनी अम्मा को साथ ले जाती ना, घर पर भी उसे कौन फूलों से तौल रहा है। अम्मा जरा भी हिलने के लिए तैयार नहीं है, कहती है पूरे घर में यही एक कमरा अपना है, यहाँ से चली जाऊंगी तो वो भी छिन जाएगा, कल को तेरी शादी हो जाएगी, मैं क्या बरामदे में सोऊंगी। अच्छा हुआ कि उसी समय मौसा जी की गाड़ी की आवाज सुनाई दी और ये अप्रिय विषय समाप्त हो गया। नहीं, समाप्त कहाँ हुआ, चाय की टेबल पर मौसी ने फिर वही रामायण छेड़ दी। आपके पास इतने लड़के काम करते हैं, इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो ना, जिजी बेचारे की नींद उड़ गई है। दूसरे दिन सुबह नहा धोकर बाहर निकली तो देखा रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, फौरन वहां पहुंच गई। मौसी क्या बना रही हो, पूरा घर महक रहा है। ये सीमा तुझे दुहाजू चलेगा। एक क्षण तो मुझे लगा कि वो नाश्ते के बारे में पूछ रही हैं। उनकी बात समझने में मुझे वक्त लगा, खींच कर कहा मौसी तुम रात भर क्या मेरे बारे में ही सोच रही थी। सच कह रही है तू, मुझे रात भर नींद नहीं आई, तेरे बारे में ही सोच रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मेरा एक दिन में यह हाल हो गया तो जिजी कितनी परेशान होंगी। देख सीमा, अब तू 28 पार कर चुकी है, इस उम्र का कुंवारा दूल्हा अब कहाँ मिलेगा। आजकल तो लड़के 20-22 साल में नौकरी करने लगते हैं, उन्हें 3-4 साल तक रोकना भी मुश्किल हो जाता है, लड़की वाले प्राण खा जाते हैं। 26 से ऊपर तो कुंवारा लड़का मिलना मुश्किल है। मौसी अगर मुझे जरा भी एहसास होता कि माता राम इस मिशन के लिए यहाँ आई हैं, तो अपनी छुट्टी और पैसा मैं जरा भी बर्बाद ना करती। मुझसे बोली शकुन से मिले बहुत दिन हो गए हैं, मेरा जी घबरा रहा है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। सोचा कि माँ की इतनी सी इच्छा अगर पूरी ना कर सकी तो मेरे नौकरी करने का फायदा ही क्या हुआ। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ के प्रपंच रचने वाली है। प्रपंच रचना पड़ता है बेटा, कुंवारी लड़की घर में हो तो माँ बाप की भूख प्यास गायब हो जाती है। खैर वो बात जाने दे, तू मेरी बात का जवाब दे, तुझे दुहाजू चलेगा। देख बेटा, अपनी उम्र ज्यादा हो जाए तो थोड़े समझौते करने पड़ते हैं। समझौते हमेशा हम ही क्यों करें, ऐसी बात नहीं है, वो लोग भी करते हैं। दूसरी शादी होती है तो वो लोग ना रंग रूप देखते हैं ना दान दहेज मांगते हैं। हाँ, उन्हें तो बस एक अदद बीवी चाहिए और अगर बच्चे हो तो उनके लिए एक आया। मैंने व्यंग किया पर मौसी ने सिर्फ मेरे शब्द सुने, शब्दों की धार को अनुभव नहीं किया। बोली बच्चे हैं तो, पर नानी के पास है, तुम नहीं चाहोगी तो नहीं आएंगे। मतलब कि तुमने सुपात्र खोज भी लिया है, मेरी तो आंखें आश्चर्य से फैली गईं। क्या करूं रे, दीदी का दुख देखा नहीं गया, वैसे खोजने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। मेरे रिश्ते का देवर है, कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है, दो बच्चे हैं, अभी 6 महीने पहले ही पत्नी का देहांत हुआ है, पीलिया हो गया था।
और इतनी जल्दी जनाब फिर से घोड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए? हिंदुस्तान है लाडो, यहाँ तो शमशान में ही प्रस्ताव आना शुरू हो जाते हैं। एक की बेटी मरती है तो दूसरे की बेटी का घर बस जाता है। वाह क्या बढ़िया सिस्टम है। मैंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा था, पर देखा कि दोपहर लंच पर साहब बहादुर आमंत्रित हैं। रविवार था इसलिए मौसा जी भी घर पर ही थे। परिचय के बाद उन्होंने मुझे इस तरह ऊपर से नीचे तक देखा कि मुझे झुरझुरी हो आई। कुछ लोग नारी देह को नजरों से इस तरह तौलते हैं कि उबकाई आने लगती है। जिस भी कंपनी में ये सज्जन होंगे वहां की महिला कर्मचारियों की तो शामत ही आती होगी। मैंने अब तक नकारात्मक ऊर्जा के बारे में सुना भर था, आज प्रत्यक्ष अनुभव किया। वहां 10 मिनट बैठना भी मेरे लिए कठिन हो गया। एक्सक्यूज मी कहते हुए मैं उठी और भीतर चली गई। देखा अम्मा दरवाजे से लगी खड़ी हैं, मेरे पीछे पीछे वो भी कमरे में चली आई। बोली, लड़का अच्छा है ना? तुम्हें ये लड़का नजर आ रहा है? धीरे बोल भवानी, एकदम भोंपू सा बजा देती है। अम्मा ने डपट कर कहा तो मैं चुप हो गई। पल भर बाद अम्मा को एहसास हुआ कि वो भी ऊंची आवाज में बोल रही हैं। अपनी आवाज को यथाशक्ति धीमा करके बोली, मिन्नू अब तू भी तो 16 की नहीं रह गई है रे, तेरे लायक ही तो ढूंढना पड़ेगा। बेचारी शकुन, मेरी परेशानी बस उसी ने समझी है। नायक जी के पीछे ही पड़ गई कि अपने भाई को मनाओ, आजकल इतना कौन करता है बता। अम्मा मुझे जरा भी इल्म होता कि तुम इस पुण्य कार्य के लिए यहाँ आना चाहती हो तो मैं हरगिज ना आती। और तुम्हारी बहन और बहनोई ने बहुत मेहनत की है मैं मानती हूँ, पर मुझे ये आदमी जरा भी अच्छा नहीं लगा, कह देती हूँ। अम्मा एकदम भड़क गई। अब तेरे लिए राजकुमार कहाँ से लाऊं मैं? गांठ में एक धेला नहीं है, सिर पर बाप का साया नहीं है, भाई लोग कान में रुई दिए बैठे हैं, और लाडो के नखरे देखो। अरे किस बलबूते पर इतना भाव खा रही हो, जरा मैं भी तो सुनूं। मैंने अपनी बात कह दी है बस। और शकुन को क्या जवाब दूंगी मैं? वो मेरा सिरदर्द नहीं है, मैंने कहा और मुंह फुलाकर बैठ गई। तभी मौसी हुलसते हुए कमरे में आई। सीमा खाना खाकर जल्दी से तैयार हो जाना। अब तैयार किस लिए होना है मौसी, मैं जैसी भी हूँ, उन्होंने देख तो लिया है। देख तो लिया है रे, पर मैं सोच रही थी तुम लोग थोड़ा साथ में घूम फिर लो, एक दूसरे को समझ लो। मौसी यूं हर किसी के साथ घूमने की मेरी आदत नहीं है। हर किसी के साथ तुझे हम भी नहीं भेजेंगे लाडो, पर उसने हाँ कह दी है तभी मैंने घूमने का प्रस्ताव रखा। अपने पास अब और समय भी तो नहीं है, आज शाम को तो तुम्हें चले ही जाना है, इसीलिए तो मैंने प्रवीण से कहा कि जो कुछ फैसला हो अभी बता दो, आज रात की गाड़ी से ये लोग वापस जा रहे हैं। तो उसने तुरंत ही हाँ कर दी। उनके हाँ करने से क्या होता है मौसी, कुछ मेरी मैं अपनी बात पूरी कह भी ना पाई थी कि अम्मा ने पीछे से मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया कि मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। सोच लिया कि यहाँ तमाशा करना बेकार है, घर जाकर मौसी को चुपचाप फोन कर दूंगी। मौसी ने मेरे सामने साड़ियों का अंबार लगा दिया, मैचिंग ब्लाउज का बहाना करके मैंने सब निरस्त कर दी। कहा कि मेरे पास भी ढंग की एक दो साड़ियां हैं, उनमें से पसंद कर लो। साड़ियां तो मैंने लौटा दी, पर मौसी का दिया अमेरिकन डायमंड का सेट मुझे पहनना ही पड़ा, थोड़ा बहुत मेकअप भी करना पड़ा। मौसी को अपनी बहू की बार बार याद आ रही थी। हाय शिभा यहाँ होती तो तुझे इतने अच्छे से सजाती कि बस। मैं तैयार होकर बाहर आई तो मौसी और अम्मा दोनों मुग्ध भाव से मुझे निहार रहे थे। मौसी ने देवर को आदेश दिया, प्रवीण इसे संभाल के ले जाना, और हाँ मॉल जरूर दिखा लाना, इनके शहर में अभी बना नहीं है। गेट के बाहर कंपनी बहादुर की मारुति 800 खड़ी थी, सब लोग हमें गेट तक छोड़ने आए, मौसा जी भी। ऐसा लगा जैसे मैं आज ही विदा हो रही हूँ। मौसी की हिदायतें खत्म ही नहीं हो रही थी और अम्मा की आंखें डबडबा आई थी। अम्मा की डबडबाई आंखें दूर तक मेरा पीछा करती रही। सच तो ये था कि अम्मा के लिए ही मैं इस सैर के लिए राजी हुई थी। मौसी के सामने मैं उनकी हेठी नहीं करना चाहती थी, घंटे दो घंटे का सवाल था।
फिर रात को तो हम लोगों को निकलना ही था। घर पहुंचकर मौसी को चुपचाप फोन कर दूंगी, बात खत्म। बगल से आवाज आई, ठीक से बैठो। जी? मैंने कहा ठीक से बैठो, दरवाजे से चिट्टी जा रही हो, गिर गिर आ गई तो भाभी मुझे खा जाएंगी। क्यों, गाड़ी का लॉक ठीक नहीं है क्या? लॉक वॉक सब ठीक है, नई नकोर गाड़ी है, सब कुछ चाक चौबंद है, पर ढंग से बैठने में हर्ज क्या है? वो जैसा चाहते थे उतना ठीक से तो मैं नहीं बैठ पाई, पर हाँ थोड़ा सा सरक गई। कुछ समय निशब्द बीता, मैं खिड़की के पार देखती रही। बहुमंजिला इमारतें, बाजार, बंगले, घनी बस्तियां, झुग्गी झोंपड़ियां, एक एक करके आंखों के सामने से गुजरते गए। फिर बस्ती विरल होते होते एकदम ही ओझल हो गई। रास्ते के दोनों ओर खेत ही खेत नजर आ रहे थे। मॉल क्या शहर से बहुत दूर है? बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, इन द हार्ट ऑफ सिटी। ये तो मैं तुम्हें घुमाने के लिए शहर से बाहर ले आया, सोचा थोड़ी लॉन्ग ड्राइव हो जाए। इतनी धूप में? तो कौन सा पैदल चल रही हो, गाड़ी में बैठी हो, जरा आसपास के नजारों का आनंद लो। देखिए मैं छोटे शहर की लड़की हूँ, मैंने खेत खलिहान जंगल पहाड़ खूब देखे हैं, बस वो मॉल दिखा दीजिए। वैसे भी इतनी धूप में घूमने में कोई मजा नहीं है, गाड़ी में एसी लगा होता तो और बात थी। ये तीर निशाने पर लगा, मौका मिलते ही उन्होंने यू टर्न लिया और गाड़ी शहर की ओर मोड़ ली। चाय वाय तो नहीं पीनी है? ना, अभी खाना खाकर ही तो आ रहे हैं। तुम तो बस मॉल देखोगी है ना? जाहिर था वो नाराज हो गए थे बेचारे। इसके बाद उन्होंने रास्ते भर कोई बात नहीं की, सीधे मॉल पर लाकर ही गाड़ी रोकी। अंडरग्राउंड में गाड़ी पार्क करके हम ऊपर आए तो लगा जैसे सारा शहर ही यहाँ इकट्ठा हो गया है। बहुत भीड़ है ना? आज संडे है ना, बिल्कुल टूट पड़ते हैं लोग। कुछ खरीदना है? ना, बस देखना है। चलो ऊपर चलते हैं। वो मुझे हाथ पकड़कर एक्सेलेटर के पास ले गए। इसे एक्सेलेटर कहते हैं? मालूम है, मैंने हौले से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, बड़ी दीदी मुंबई में है, वहाँ अक्सर जाती रहती हूँ। फिर तो मॉल भी देखे होंगे, मुंबई में तो दर्जनों होंगे, फिर यहाँ आने की क्या अर्जेंसी थी? मौसी की इच्छा थी। और सुनिए, मैं एक्सेलेटर से नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। रही ना वही छोटे शहर वाली, अरे डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना। उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। सीढ़ियों से चलते हैं ना, मैंने धीरे से हाथ छुड़ाते हुए कहा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। पागल, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मर जाएंगे हम, चलो लिफ्ट से चलते हैं। वहां लंबी लाइन थी, बड़ी देर बाद नंबर आया। जब भी लिफ्ट रुकती मैं उतरने का उपक्रम करती और वो मुझे रोक लेते। आखिरकार सबसे आखिरी मंजिल पर हम बाहर निकले। यहाँ एकदम शांत था, सारा शोर शराबा, सारी भीड़ नीचे छूट गई थी। ये मल्टीप्लेक्स है, यहाँ चार पिक्चरें एक साथ चलती हैं। खैर तुमने तो मुंबई में देखा ही होगा, कौन सी पिक्चर देखोगी? हे भगवान, इस शख्स के साथ 3 घंटे अंधेरे हॉल में बैठना होगा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अभी तो देर है, आओ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। स्टॉल की ओर जाते हुए उन्होंने फिर मेरा हाथ थाम लिया, मैंने भी धीरे से छुड़ा लिया, पर इस बार वो चुप नहीं रह सके। तुम तो एकदम टच मी नॉट हुई जा रही हो। तो आपने क्या समझा था, इजीली अवेलेबल हो जाऊंगी? पर प्रकट में मैंने इतना ही कहा, छोटे शहर की हूं ना, उतना बोल्ड नहीं हो सकते। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? मौसी ने पूरा बायोडाटा बताया तो होगा। हाँ 28 कह रही थी, पर 30 समझ लो, क्योंकि लड़की वाले अक्सर 2-4 साल घटा कर ही बताते हैं। तो इतने दिनों तक क्या अनछुई ही रही हो, कोई अफेयर नहीं हुआ? मेरा पूरा शरीर रोष से जैसे सुलग उठा, पर मैंने संयम से काम लिया और कहा, अफेयर के लिए मौका ही नहीं मिला। घर में माँ का हिटलरी अनुशासन था, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई भी कोएड में नहीं हुई। अभी जहाँ पढ़ा रही हूँ वहां भी महिला राजी है, एक हेड क्लर्क, एक कैशियर, एक गेम्स टीचर और 2 चपरासी, कुल जमा 5 पुरुष हैं। किसी तरह के अफेयर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा तुम जो पिक्चर देखना चाहती हो उसके टिकट ले लो, मैं अभी आया, उन्होंने जेब से पर्स निकालते हुए कहा। पैसे हैं मेरे पास, मैंने अपनी पर्स झुलाते हुए कहा।
सोच लो, मल्टीप्लेक्स का टिकट है। जवाब में मैं सिर्फ मुस्कुरा दी। उन्होंने फिर बहस नहीं की, सीधे अपने गंतव्य की ओर चले गए। वे फॉर मैन ओनली में दाखिल हुए ही थे कि लिफ्ट आकर रुकी। इक्का दुक्का लोगों के उतरते ही मैं पलक झपकते ही उस पर सवार हो गई और सीधे भूतल पर जाकर उतरी। उतरते ही बदहवास से दौड़ते हुए बाहर आई। मॉल से आते हुए मैंने देखा कि बाहर कतारबद्ध ऑटो रिक्शा खड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक में मैं धम से जाकर बैठ गई। मौसी का पता मुझ जबानी याद था। ड्राइवर को बताने के बाद मैंने पीछे से टिका कर जो आंखें बंद की, घर पहुंच कर ही खोली। सब लोग बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर मौसी मुझसे भी ज्यादा बदहवास हो गई। अरे तू रिक्शे से आई है, वो भी अकेली? प्रवीण कहाँ है? गाड़ी खराब हो गई क्या? और तेरे चेहरे पर ये हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? अरे उससे सांस तो लेने दो, एकदम शुरू हो जाती हो। मौसा जी ने डांट लगाई, तब जाकर मौसी चुप हुई। बैठो बेटा, थोड़ा सुस्ता लो, फिर इत्मीनान से बताना। हाँ दरअसल मौसा जी, वो क्या हुआ कि मैं एक दुकान पर खड़ी कुछ देख रही थी, पता ही नहीं चला भीड़ में हम लोग कब छिटक गए। अरे तो तेरे पास मोबाइल था ना? पर मौसी उनका नंबर तो मुझे मालूम नहीं था ना। थोड़ी देर मैंने ढूंढने की कोशिश की, फिर सोचा इससे तो घर लौटाना ही ठीक है। बहुत अच्छा किया बेटा, पर ये बताओ ये मॉल में जाने का आइडिया किसका था? मौसी ने सिर झुका लिया। कमाल करती हो तुम भी, पता नहीं था संडे है, पूरा शहर वहां टूट पड़ता है, वहीं घूमेंगे, वहीं शॉपिंग करेंगे, वहीं खाएंगे और पिक्चर देखकर घर लौटेंगे। अजीब पागलपन सवार है लोगों पर। शकुन मेरा फोन देना जरा, प्रवीण को बता दूं वो घर आ गई है, नहीं तो बेचारा वहां हलकान होता रहेगा। मैं कमरे में चली आई और कपड़े बदलकर लेट गई। मन में अजीब सी धुकधुकी हो रही थी। मैंने एक एडवेंचर तो कर लिया था, पर अभी उसका परिणाम आना शेष था। मुझे ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, एक घंटे के भीतर ही मौसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। जीजी अब तुम जरा बाहर आना। अम्मा कमरे में लौट कर आई तो चेहरा बेहद उतरा हुआ था। आते ही बोली, लगता है तू मुझे चैन से मरने नहीं देगी। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, लड़के ने मना कर दिया, कह रहा था लड़की निपट गंवार और बौड़म है, कहीं से नहीं लगती कि एमए पास है, न उठने बैठने का शऊर, न बात करने का। अरे पढ़ लिख कर यही कमाया है तुमने कि लोग तुम्हें गंवार कहें? माँ अनवरत बोले चली जा रही थी कि अचानक उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, जहां हताशा का कोई चिन्ह नहीं था। चिढ़कर बोली, तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही होगी ना, तुम्हारी तो मन की हो गई है, इतना अच्छा घर वर मिल रहा था, पर भाग्य में हो तब तो। अम्मा का दुख देखकर दुख जरूर हो रहा था, पर अम्मा सच कह रही थी, मेरी तो मन की हो गई थी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। पटल पर हैं लेकिन उन्होंने माइक और कैमरा ऑफ कर रखा है, तो उनकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा और अपनी कहानी को ढंग से सुनने का एक आनंद अलग ही आया। सामने दृश्य उपस्थित कर दिए आप लोगों की अभिनय क्षमता ने, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आज जितने हमारे पटल पर लोग उपस्थित हैं वो आपको आकर बहुत खुश हैं। सुधीर कुमार राव जी लिखते हैं, उन्होंने बहुत लंबा सा एक संदेश दिया है। आदरणीय मालती जोशी जी को मेरा चरण स्पर्श, में इनकी कहानियों को 1970 से धर्मयुग में पढ़ना शुरू किया था। इनकी कहानियों पर मैंने इन्हें पत्र भी लिखे और इनके जवाब वाले पत्र सहेज कर रखे हुए हैं। इनसे इंदौर में संभवतः 2005 में इनके भाई के यहाँ पत्नी के साथ भेंट कर चुका हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आज प्रकाशक के माध्यम से मालती जी से फिर मुलाकात हो रही है। ये सुधीर कुमार राव जी ने लिखा है। जैसे दीदी से हम लोगों ने बात की थी, जब दीदी से बात हो रही थी उस दिन, तो हमारी दीदी ने ये बात कही थी कि पहले हम लोग लंबी लंबी चिट्ठियां लिखते थे और दीदी की खासियत रही है कि वो हर चिट्ठी का जवाब जरूर देती थी, ये दीदी ने खुद भी बताया। तो देखिए ना, वो खत वाली बात आ गई और उन्होंने कहा कि आपके खत बहुत संभाल कर रखे हुए।
हमारे साथ शन्नू श्रीवास्तव जी हैं, हम सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सूर्य लता जायसवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। सुधा त्रिपाठी शुक्ला जी हैं, बहुत स्वागत आपका। वकार रहमान साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत। सुधा आदेश जी हैं, बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे साथ हैं आकांक्षा सिंह हैं हमारे साथ, हूँ अभी अनगढ़ सबर जाऊंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा, स्वागत आपका। और हमारे साथ पद्मा अग्रवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। और वकार साहब का भी एक संदेश है, उन्होंने शुरुआत में कहा होगा जरूर। रीता गुप्ता जी स्वागत आपका, नीरजा श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं स्क्रॉल डाउन करती जा रही हूँ, सुधीर कुमार राव जी का तो संदेश पढ़ा उन्होंने, मालती जी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम कहा है। आकांक्षा मालती जी को प्रणाम कह रही हैं। रेणु मंडल जी स्वागत आपका, रेणु मंडल जी का भी संदेश है। हीना अहमद जी बहुत बहुत स्वागत आपका। पल्लवी कुंडीर कह रही हैं, मालती जी आप दिल में रहती हैं। नीलम सौरभ जी ने नमस्कार कहा है। पल्लवी कुंडीर जी कह रही हैं, कहानी मुझे बहुत प्रिय है। नीरजा श्रीवास्तव जी, हीना अहमद जी ने कहा है, मालती मैम यू आर अमेजिंग। सुधा त्रिपाठी शुक्ला जी ने प्रणाम किया है, सुधा आदेश जी हैं। और इसके साथ हैं हमारे साथ मीना त्रिपाठी जी हैं, आदरणीय सुधा जुगरान जी हैं, बहुत बहुत स्वागत सुधा जी आपका। और पल्लवी कुंडी जी ने पूनम पाठक जी के चरित्र की बहुत तारीफ की है, कहा पूरे चरित्र में है, कमाल है। सुधा जुगरान जी ने कहा है, मालती जोशी जी का नाम विद्यार्थी जीवन से कब जहन में घुल मिल गया था, पता ही नहीं चला। सही बात है, मालती जोशी जी का नाम और उनकी कहानियां ऐसे घुल मिल गई कि कई दफा लगता था कि जितने सहज और जितने सरलता से कई बार जो बहुत सुलझे हुए पात्र होते थे, तो काश उनकी तरह बन पाए। या कभी कभी ऐसा लगता था कि काश मालती दीदी की लेखनी में घुस जाएं और ऐसा ही जीवन चल जाए कि उनकी लेखनी से उतर कर उन्हीं के शब्दों को जीते जाएं, तो कितना अच्छा हो। तो वो सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन चलिए आज हम साथ में दीदी को देख रहे हैं, ये इससे बड़ी और क्या बात होगी। और हमारे साथ हैं वशिष्ठ पाठक जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वशिष्ठ जी। सुधा त्रिपाठी शुक्ला जी हैं, नीलम सौरभ जी हैं, और मैं रमा एस शुक्ला जी हैं, स्वागत आपका रमा जी। मीनू त्रिपाठी जी ने कहा है कि मालती जी की कहानी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये कहानी जानी पहचानी सी लग रही है, कहीं पढ़ी है शायद। बिल्कुल जरूर पढ़ी होगी, यकीनन पढ़ी होगी। मालती जी की कहानियां हम लोग जहां पर भी मिलती है, हम लोग कभी पढ़ने से छूटते नहीं है, ज्यादातर यही होता है। और हमारे साथ सुनीता माहेश्वरी जी हैं, सुनीता माहेश्वरी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। उषा मिश्रा जी हैं, आपका स्वागत। सुधा कसेरा जी हैं, और हमारे साथ हैं दीप्ति मित्तल जी हैं, दीप्ति मित्तल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ आज पटल पर जुड़ी हैं। सही बात है कि सरकारी नौकरी वाली लड़की और बड़ा दहेज, ये अब एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। और हमारे साथ ये शन्नू श्रीवास्तव जी हैं, पूनम अहमद जी की भूमिका की बहुत तारीफ की उन्होंने, नीरजा श्रीवास्तव जी हैं। और मैं स्क्रॉल डाउन करती जा रही हूँ, और हमारे साथ हैं सुमिता प्रवीण जी। सुमिता प्रवीण जी बहुत अच्छी कवित्री और साथ ही साथ प्रोफेसर भी हैं, हैप्पीनेस क्लासेस लेती हैं मुंबई में। बहुत स्वागत आपका, नमस्कार सुमिता जी, बहुत अच्छा लगा आपका आना। और हमारे साथ हैं दिव्या त्रिवेदी जी हैं। दिव्या त्रिवेदी जी बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या आने का। सुमिता प्रवीण जी का है संदेश। और हमारे साथ हैं
बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे साथ में साथ साथ ही साथ उनके बहुत सारे कमेंट्स भी हैं। ट्विंकल हैं, ट्विंकल रीनी रेनिस, ट्विंकल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हमारे साथ हैं ताजुद्दीन अहमद, ताजुद्दीन अहमद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर रहने के लिए। सीमा इतने आसानी से सुनने वाली नहीं है, कोशिश जारी रखो। वाकई ये कहानी पढ़ते हुए बहुत मजा आ रहा था और खास तौर से जब हम लोग कहानी पढ़ रहे थे तो पता नहीं अब ये दीदी बताएंगी कि हम लोग वहां पर पहुंच पाए हैं कि नहीं पहुंच पाए हैं। हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा इसकी ये मनोदशा होगी, इसकी ये मनोदशा होगी, ये बात कह रही है तो इसका इसके मन में ये बात होगी। और जब अशोक जी से की बात हो रही थी, जब अशोक जी को प्रवीण का किरदार करना था तो लग रहा था कि बहुत कोई ऐसा इंसान जो बहुत चीजी, बहुत चिपकू और सही बात है वो कैसा, तो उन्होंने कहा हाँ भाई ये कोशिश करता हूँ मैं लाने की। और उनको मौसा जी का भी किरदार निभाना था तो उनके लिए कह रहे थे कि चलो इस ये दो रोल जो है ये बिल्कुल एकदम स्विच ओवर करने पड़ते हैं एक से दूसरे में, कहाँ एक बिल्कुल चिपकू नौजवान और कहाँ एक बहुत धीर गंभीर मौसा जी। तो मौसा जी की तारीफ भी आई है, गुरु जी बहुत खूब, दिव्या त्रिवेदी धन्यवाद। और हमारे साथ टच मी नॉट हुई जा रही हो, बहुत पसंद आया लोगों को, सही बात है ये टच मी नॉट हुई जा रही हो, ये बड़ा वैसा ट्रिकी सा डायलॉग था और इसी में सारी बातें कह देनी थी। आदरणीय संजीव जायसवाल जी भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। संजीव जायसवाल जी राइटर हैं, लेखक हैं और बहुत सुंदर कहानियां लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साहिल अहमद साहब हैं, साहिल अहमद साहब बहुत बहुत स्वागत है, रोल चेंज हो गए बट मौसा जी अभी भी प्रवीण लग रहे हैं। ओहो नहीं, मौसा जी ने बहुत डांटने की कोशिश की थी। और किसी ने कहा है कि प्रवीण जी का, प्रवीण जी के बारे में कहा है चिपकू, जी हाँ चिपकू ही थे वो और इसीलिए इस तरह की उन्होंने बातें उस सीमा को रिझाने की कोशिश कर रहे थे। और सुमिता प्रवीण जी ने सादर प्रणाम कहा है माल दीदी को। तो दीदी इस तरह से हमारे पास संदेश भी बहुत सारे आए और आपका आना सबको बहुत अच्छा लगा। और अब हम चाहेंगे कि आप चलते चलते हमें कुछ आशीर्वाद दें और कैसा लगा आपको आज का ये अनुभव, ये जरूर बताएं। मैंने अभी बताया बहुत अच्छा लगा, एक नए ढंग से अपनी कहानी सुनने का आनंद अलग ही आया। और ये कहानी मराठी में भी बहुत पॉपुलर हुई और जिन जिन संकलनों में ये कहानी है उनको इसी का शीर्षक दिया गया। हिंदी में भी जिस संकलन में कहानी है उसका नाम परख है, मराठी में जिसमें है उसको उसका नाम पारख है। तो इसका मतलब है ये कहानी प्रकाशकों को भी अच्छी लगी तो उन्होंने उसको और बहुत अच्छा लगा और एक नए ढंग से मतलब अपनी कहानी को सुनने का आनंद अलग ही है। ऐसे नाट्य रूपांतर मैंने बहुत देखे और सुने रेडियो पर और आज अलग ढंग से अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज की इस संध्या को दीदी के आशीर्वाद के साथ जो कि हम लोगों ने बहुत सहेज के अपने अपने मन में गठिया लिया है और बहुत सहेज के रखा है उसको कि दीदी का आशीर्वाद मिलना कोई बहुत बड़ी चीज है, अमूल्य निधि हमारे लिए। तो आज की इस शाम को इस अमूल्य निधि को सजोए हुए हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। हम फिर मिलेंगे प्रकाशक की इसी बैठक में और फिर आप सबसे बात करेंगे, कोई नई कहानी के साथ जुड़ेंगे। आप हमें आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।